दिनांक 6 सितंबर और दिन शुक्रवार। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्रीकल्चर चौपाल पर और लहसुन मंडी घिरोर में, जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काफी सारे लोग पूछते हैं कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में घिरोर लहसुन मंडी है। तो आज 6 सितंबर को देखते हैं क्या बिक्री रहेगी, किस तरह की आवक वगैरह है, किस तरह के बाजार रहेंगे। क्योंकि अगर एमपी के बाजारों की कल की बात करें तो थोड़ा सा नरमी नहीं बाजार में, थोड़ा दबाव महसूस हुआ। कुछ 1,500 रुपये की नरमी से बाजार, और 17,000 जो घिरोर का रहा उसमें भी जो है नरमी देखने को नहीं थी, उसमें भी गिरावट देखने को नहीं। तो आज किस तरह के बाजार रहेंगे, किस तरह की तीसरी रहेगी आज की, वो देखते हैं। और आवक की बात करूं तो पिछले बाजार की अपेक्षा अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा आवक तो नहीं दिख रही है जैसी पिछले बाजार में दिखी थी। तो अभी तो आवक के हिसाब से देखें तो स्थिति ठीक बनती हुई दिख रही है। बाकी पीछे की मंडियों का क्या असर रहेगा, क्योंकि तो पीछे की मंडियाँ कल थोड़ा सा नरम रही, तो आज पीछे मंडियों में कैसी स्थिति रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि घिरोर मंडी में भाव किस तरह से लहसुन के चलेंगे। अगर आज मंडियां पीछे कुछ ऊपर खोली तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा भाव देखने को मिलेगा बाजार में, और अगर वहां थोड़ा सा पोजीशन ढीली रही, स्थिति थोड़ी सी नरम रही, तो फिर कह नहीं सकते कि बाजार की स्थिति घिरोर मंडी की किस तरह की रहेगी। अभी तक की स्थिति आप लोग देख लो किस तरह की है। हाँ नमस्ते ये इधर गाड़ियों की स्थिति है। अभी इधर की बात करूँ तो 10:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। 4 से 5 गाड़ी जो है इधर अभी दिखाई दे रही है। तो पिछले बाजार की अपेक्षा बाकी फड़ वगैरह की स्थिति आप देख सकते हो, फड़ों पर कैसी स्थिति दिख रही है। और पिछले बाजार की अपेक्षा बात करें तो पिछले बाजार की अपेक्षा आवक थोड़ी थी अभी हाल फिलहाल में, सवा 10 तक थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, जबकि पिछले बाजार यही आवक काफी ज्यादा थी सुबह के समय में भी। अगर इस तरह की आवक रही तो मैं समझता हूँ बाजार की अच्छी स्थिति रहनी चाहिए। और जो पीछे की मंडियों का नरमी वाली स्थिति, उस तरह की स्थिति यहाँ पे देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बाकी अभी शुरुआत है आवक की, तो आगे और किस तरह की आवक रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आज किस तरह की मंडियां एमपी की या राजस्थान की किस तरह की मंडियां खुलेंगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो है भाव किस तरह का रहता है। ये मंडी में मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाई दे रहा हूँ कि कितनी गाड़ियां हैं, किस तरह की हैं। पिछले बाजार में गाड़ियां खाली होने के बाद भी खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति अभी हाल फिलहाल तक 10:30 के आसपास तक नहीं दिखाई दे रही है। 4-5 गाड़ियां उधर थी, बाकी एक टिर्री उधर थी, एक टिर्री ये है, बाकी ये 2 गाड़ियां, एक टेम्पो इधर दिखाई दे रहा है। और आगे भी देख लेते हैं आगे किस तरह की स्थिति दिखाई देती है, आगे किस तरह की गाड़ी है। यहाँ भी अभी आप देखोगे इधर कोई खास इधर तो नहीं दिख रही, इधर केवल एक ये 2 टिर्री खाली हो चुकी हैं। अभी हाल फिलहाल में देखें हाल फिलहाल की ऐसे ही दिख रही है, फड़ों पर भी बहुत ज्यादा माल दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही साथ गाड़ियां भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही हैं। इधर भी एक MX-30 तो ये एक और आ गई है, और
दूसरा एक छोटा हाथी है आगे, एक ये ट्रैक्टर है आगे। भाई और बाकी फड़क के नीचे तो कोई खास ऐसा अभी हाल फिलहाल में नहीं दिख रहा है। कितना लेजर लिया जाता आज? 10-12 पैकेट। 10-12 पैकेट है। देसी ही होगा। कौन सा है दिखाओ जरा, कौन सा वाला है? ये है लाइसेंस तो बढ़िया है। और रखे होंगे अभी इसमें से सारा का सारा यही है कि अलग केवल एक बोरी है? दो अलग है, ये एक बोरी अलग है ना, ये दो। अच्छा ये दो है, जैसे छोटा है कुछ है, ये अलग है। चलो रेट तो लाइसेंस देख के लग रहा है बढ़िया मिल जाएगा। मनमोहन से लगाऊंगा, बड़ा सफाई वफाई भी अच्छा दिख रहा है देखने में तो अभी फिलहाल तो ना, सफाई है अभी तो कह रहा हूँ। लाइट भी ठीक ठाक है, बढ़िया है लाइट। लहसुन लेके आए दादा? लेके आए। कितने ले गया? कितने पैकेट? दो पैकेट। कौन सा? हाँ वही तो ही आ जा। कौन सा ये लहसुन? देसी है? देसी है, देसी। अच्छा तो कटवी सोटी भी जाएगा? हाँ वो खिल रहा है, जब खिल रहा है। अरे कोई दिक्कत ना, जब बिक्री होगी तब कट जाएगा। तो अब जो हल्को हल्को बाई निकाल रहे हो? हाँ बाई निकाल रहे हैं, हल्को हल्को निकाल रहे हैं। बढ़िया वही रखो है, बढ़िया रखा है। चलो धीरे धीरे आवत रहो, बढ़िया को भाव मिलेगा, बढ़िया मिलेगा भाव। जैसी परिस्थिति बन रही भाव तो बढ़िया बढ़िया। अगर धीरे धीरे किसान लावत रहे तो भाव बढ़िया मिलते रहेगा। हालांकि आवक पिछली मंडी ज्यादा आएगी तो थोड़ी सी मंडी टूट गई, अभी हाल फिलहाल आज तो आवक थोड़ी सी कम दिखाई दे रही थोड़ी कम है। कितो ले आए लहसुन आज? दो पैकेट। पानी पानी कैसे बस रहो है? ठीक बस रहो, ज्यादा तो ना ने? ज्यादा तो ना बस हो? अरे ज्यादा ना बस तो कम है, कौन है कम है। बुआई बुआई कैसी करोगे? जा साल लहसुन बढ़ाओगे कमी करोगे? अपो अपो बताओ, आप अपो कमी करोगे कि ज्यादा करोगे लहसुन खेतों में? भाई कोई पता ना भैया, अच्छा मतलब पता ना अभी हाल फिलहाल करोगे नहीं करोगे? आप ले आए दादा? ले आए भैया, दो पैकेट आए। दो पैकेट आएंगे तो कैसे लेके आए? बढ़िया लेके आए होगा, हलवा लेके आए होगा? हलवा भाव है बढ़िया का वसूल आओगे, बढ़िया बाद में लाओगे। अब हलवे हलवे निकाल रहे हो, लहसुन वहसुन बढ़ावे का विचार है? ज्यादा चलना है, बढ़ाओगे थोड़ा बहुत? दो तीन बीघा तो देसी करोगे या बीज भी चेंज करोगे? समय बताएगा, अभी तो महीना वाले करीब आसपास है बुवाई का, टाइम है, महीना वाले तो है। बोल रहे हैं तो मान।